हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल मार्केट में टाटा की पंच जो कि एक एसयूवी कार है उसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। वैसे तो गाड़ी 4 अक्टूबर को लॉन्च हो रही है, पर मार्केट में इसके चर्चे ऑटो एक्सपो 2020 से ही हो रहे हैं, जब इसका नाम HBX हुआ करता था। अगर आप भी इस कार को खरीदने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे इस कार की 5 मेजर खूबियां जो कि आपको यह डिसाइड करने में काफ़ी मदद करेंगी कि आपको यह गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं यह वीडियो। मेरा नाम है प्रिंस मनी और आप देख रहे हैं टेक्निकल गाड़ी वाला। दोस्तों, टाटा पंच के डिटेल रिव्यू के बारे में हमने पहले ही एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वह भी देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम टाटा पंच की खूबियों के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, पहली खूबी है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। जी हाँ, जिस प्राइस रेंज में यह गाड़ी लॉन्च होने जा रही है उससे लगता है कि यह लॉन्च होते ही मार्केट में धमाका कर देगी। उम्मीद की जा रही है कि इसकी एक्स शोरूम प्राइस 5 से 5.5 लाख के बीच में शुरू हो जाएगी। इस प्राइस रेंज में आपको एक बेहतरीन गाड़ी मिलने की उम्मीद हम कर रहे हैं। दूसरी खूबी है इसका अल्फा प्लेटफॉर्म पर बेस होना। जी हाँ, यह वही प्लेटफॉर्म है जिस पर टाटा अपनी अल्ट्रोज को ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। यह गाड़ी ग्लोबल एनकैप में 5-स्टार रेटिंग ला चुकी है, सो उम्मीद की जा रही है टाटा की पंच भी 5-स्टार रेटिंग ही लाएगी। तीसरी खूबी है इसका मस्कुलर अट्रैक्टिव डिजाइन। इसके डिजाइन के दीवाने तो लोग तभी से हैं जब से यह ऑटो एक्सपो 2020 में HBX के नाम से शोकेस की गई थी। अगर आप इस कार को खरीदते हैं तो आप अपने आप को कुछ दिनों तक सेलिब्रिटी जैसा फील करेंगे, क्योंकि इस कार को लोग मुड़ मुड़ कर जरूर देखेंगे। लोग आपको रोक रोक कर पूछेंगे इस कार के बारे में, और वाकई में इस कार का डिजाइन तो बहुत है ही शानदार, तो क्यों ना लोग पूछें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, माइलेज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसमें 1200 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन आने वाला है, जो कि टाटा की टिगोर और अल्ट्रोज में ऑलरेडी आ रहा है। यह इंजन 84 BHP की पावर देगा और 113 Nm का टॉर्क। टियागो में यह इंजन 23.84 km/L का ARI माइलेज क्लेम करता है, पर टाटा पंच थोड़ी सी भारी होने के कारण इसको रीट्यून करके लगाया जाएगा। फिर यह उम्मीद करते हैं कि 19 से 21 का माइलेज आराम से देगा, जो कि एक बहुत अच्छी फिगर है। पॉइंट नंबर 5, रिलायबिलिटी ऑफ टाटा, यानी कि टाटा का भरोसा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लास्ट के 10-12 सालों में टाटा ने जो अपना नाम रोशन किया है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो बेहद ही काबिले तारीफ है। इस दौरान टाटा की A to Z सभी गाड़ी हिट हुई हैं, जैसे कि नेक्सॉन, टियागो, टिगोर, हैरियर। इससे पता चलता है कि लोग टाटा पर कितना भरोसा करते हैं। तो इसी सीक्वेंस में टाटा पंच पे भी लोग अपना भरोसा जताएंगे, और वैसे भी यह प्रोडक्ट काबिले तारीफ भी है। दोस्तों, तो ये थे 5 पॉइंट जिसके आधार पर आप इस कार को खरीदने की सोच सकते हैं। हम जल्दी ही एक वीडियो टाटा पंच के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी लाएंगे। उस वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्निकल गाड़ी वाला को, जो कि बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें, ताकि वो अपनी ड्रीम कार खरीद सकें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।